अस्सलामुअलैकुम। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास रक्षा है और इसका व्हील लीकेज है तो आपने किस तरह से व्हील का आयल सेल आपने रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना, इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है, और आपने अभी तक हमारे पी के बाइक रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो व्हील का सारा बोल्ट को आप ढीला कीजिए, और इसके बाद इस एंटों से आप इस एंट की मदद से अपने रक्षे के पाए को आपने ऊपर करना है इस तरह से। अब आपने व्हील की चार नट आपने खोलना है। ये रहा व्हील की चार बोल्ट हमने खोल दिया। इसके बाद आपने व्हील को पकड़ना है और निकालना है। इसके बाद आपने डिस्क ब्रेक की ये 14 नंबर काबले को आपने खोलना है, ये वाली। चौदह चाबी की मदद से आपने ये काबला खोलना है। हमने खोल लिया है। अब हमारा डिस्क ब्रेक ओपन हो गया। अब आपने डिस्क को इस तरह से करना है, और इसका लेदर, इसका दोनों लेदर आपने निकालना है। अब आपने इस डिस्क पंजरे वाली 17 नंबर काबले को भी निकालना है। एक काबला ऊपर, एक काबला नीचे है, इन दोनों काबलों को आपने खोलना है। ये रहा, हमने डिस्क पंजरी की दोनों बोल्ट को हमने खोल लिया है 17 नंबर। अब आपने ये डिस्क की ये चारों नट को आपने खोलना है। हमने पहले से ढीला किया है, सिर्फ खोलना है अभी। ये हमने खोल लिया है। इसके बाद इस डिस्क को आप इस तरह से निकाल दीजिए। अब आपने ये एक्सल प्लेट की चारों बोल्ट आपने खोलना है। हमने इस एक्सल की चार बोल्ट हमने खोल लिया है। आपने भी इसी तरह से इस एक्सल की चारों बोल्टों को आपने खोलना है, ये प्लेट की। अब आपने इस एक्सेल को बाहर की तरफ से आपने खींचना है, ताकि ये एक्सेल ओपन हो जाए। ये रहा एक्सेल, हमने ओपन कर दिया है। अब आपने चेक करना है आयल सेल, ये बिल्कुल डैमेज हो गया। अब आपने इस आयल सेल को रिप्लेस करना है। इस आयल सेल की वजह से लीकेज आता था। ये रहा आयल सेल, हमने बड़ी कील की मदद से ओपन कर दिया। आपने किसी भी जुगाड़ करना है, लेकिन ये आयल सेल को आपने ओपन करना है। इसके बाद नया आयल सेल आपने डालना है। इसका नंबर है 42557। ये व्हील आयल सेल का नंबर है, ये आपने याद रखना है। आयल सेल डालने से पहले आपने इसी जगह को बिल्कुल साफ करना है। इसके बाद आपने आयल सेल को डालना है।
आयसेल तो हमने डाल लिया है और आपने भी इसी तरह से आयसेल को डालना है और अच्छी तरह से प्रेस करना है आयसेल को। अब आपने एक्सेल डालना है और डालने के बाद थोड़ा सा घुमा देना चाहिए ताकि एक्सेल अपनी जगह में फिक्स हो जाए। आपने इसी तरह से एक्सेल डालना है और थोड़ा सा घुमा देना चाहिए आपको ताकि एक्सेल अपनी जगह में फिक्स हो जाए। जब ये एक्सेल फिट हो जाए तो इसके बाद आपने इस पलेट को टाइट करना है। इस पलेट का रुख आपने इसी तरह से करना है और इसके बाद चार काबलों की मदद से आपने इस पलेट को टाइट करना है। अब आपने डिस्क ब्रेक की ये पंजरा को आपने ग्रीस करना है। इसको आप ग्रीस कीजिए। इसके बाद आपने ये डिस्क ब्रेक की पेन है, इसको भी आप ग्रीस कीजिए। और एक पेन यह है डेस्क में मौजूद है, इसको भी आप ग्रीस कीजिए। इसके बाद आपने डिस्क ब्रेक की डिस्क को आपने लगाना है ये वाली, इसको आप फिट कीजिए और फिट के बाद थोड़ा सा टाइट भी कीजिए। इसके बाद आपने डिस्क ब्रेक की पंजरा को आपने टाइट करना है 17 नंबर 2 बोल्ट की मदद से, एक नीचे एक ऊपर।
आपने टाइट कर दिया। इसके बाद आपने लेदर को लगाना है, डिस्क ब्रेक की दोनों लेदरों को आपने लगाना है इसी तरह से। इसके बाद आपने डेस्क का पेन को लगाना है। यह रहा ब्रेक डेस्क, बिल्कुल फिट हो गया। अब आपने इस 14 नंबर काबले को आपने टाइट करना है। ये कर दिया हमने टाइट। आप सिर्फ व्हील बाकी है, यानी पहिया बाकी है। अब आपने पहिया को लगाना है। लगाने के बाद आप बिल्कुल टाइट कीजिए अपने पहिया को। अब हमने पहिया को ज़मीन पर लाया है। अब हम सारे नटों को चेक करते हैं कि कौन सी नट ढीले है। अब आपने सारे नटों को आपने टाइट करना है। ये रहा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपके रक्षे का व्हील में लीक है तो आपने इस तरह से ठीक करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा आपको कुछ सवाल आते तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर करें।